बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिन की शुरुआत में और रात को सोने से पहले चेहरा नीट एंड क्लीन करके सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं बाहर से आप लोग घूम फिर के आए हैं, आपका डस्ट से बहुत एक्सपोजर रहा है या बहुत देर से आपने अपने फेस को नहीं क्लीन किया, तो चेहरे को साफ़ करना ज़रूरी होता है। अब सवाल ये है कि चेहरे को किस चीज़ से साफ़ करें। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि लोग कहते हैं कि जी हम लोग सोप से अपने चेहरे को साफ़ कर लेते हैं या सिंपल पानी से साफ़ कर लेते हैं। ओके, मैं इस पर गुड और बैड की तरफ तो नहीं जाना चाहूँगी। हाँ, सोप के जो साबुन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं लॉन्ग टर्म, और वो एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, स्किन को ड्राई भी करते हैं। फेस वॉश एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जिसके अंदर एक फॉर्मूलेशन ऐसी होती है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पे मॉइस्चर भी आ जाता है और सफाई भी हो जाती है अगर अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करें। मैंने 4 किस्म की स्किन टाइप्स के लिए फेस वॉशेस इंट्रोड्यूस किए हैं, हनी, नीम, विटामिन फेस वॉश और चारकोल फेस वॉश। वो लोग जो बार बार पूछ रहे हैं कि आपके फेस वॉशेस, बाय द वे पहले मेरी बॉटल्स वर्क थी, जब वो पूरी बन के मेरे पास आया स्टॉक तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई पैकेजिंग अपनी, तो फिर मैंने पैकेजिंग को चेंज किया और अब इस पैकेजिंग में आपके पास पहुँचेगी और ये अमेजिंग सी बॉटल्स हैं, बिकॉज यू ओपन इट एंड यू स्प्रे इट एंड आपको जितना चाहिए आप उसको यूज़ कर लेते हैं। सो आई गॉट दिस रियली रियली कूल पम्प बॉटल नाउ। बल्कि अगर हनी को ही उठाया है तो हनी वाले के बारे में ही बात करते हैं। हनी फेस वॉश है नॉर्मल स्किन के लिए। नॉर्मल स्किन में ये जो बेनिफिट्स देता है वो ये है, नॉर्मल से मुराद ये कि ना आपकी स्किन बहुत ड्राई है और ना ही आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, एंड उसके साथ साथ कोई एक्नी के आपको इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर हल्के फुल्के एक्नी के प्रॉब्लम, मतलब कभी कभार आपको दाने निकल आते हैं, तो मेरी और नॉर्मल स्किन है तो हनी वाली फेस वॉश आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये एक्नी को भी रिड्यूस करती है, ये हाइड्रेट भी करती है आपकी स्किन को, रिज्यूवनेट करती है स्किन को, और उसके साथ साथ ये इसके अंदर कुछ एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट है, एंड इट रिमूव्स फ्री रेडिकल्स ऑल्सो आपकी स्किन से। सो हनी वाला जो मेरा फेस वॉश है, इसमें वाइल्ड हनी है, इसमें विटामिन बी है, इसमें एलोवेरा जेल है, कैस्टील सोप है, रोज वाटर है और ऑलिव ऑयल है। तो ये हनी वाला फेस वॉश जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, एंड आई रिकमेंड दैट एवरीवन शुड यूज इट। अब बात करते हैं एक्नी वाली स्किन या एक्नी प्रोन स्किन की। नीम फेस वॉश एब्सोल्युटली ऑसम, और मेरी जो एंटी एक्नी की जो पूरी रेंज है एक्नी की प्रिवेंशन के लिए और उसकी ट्रीटमेंट के लिए, वो अभी तक मेरी सारी जो लाइन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। सो ये मेरा जो नीम फेस वॉश है, ऑब्वियसली इसमें नीम है, इसमें टी ट्री ऑयल शामिल है, विटामिन B5 है, एलोवेरा जेल है, रोज़ वाटर है, ऑलिव ऑयल है और कैस्टील सोप है। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है। सुबह इसको इस्तेमाल करें एंड देन रात को भी इस्तेमाल करें, अपने चेहरे को फेस एंड नेक दोनों पे इस्तेमाल किया करें ज़रूर। अच्छा, विटामिन फेस वॉश जो मैं खुद यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, और जो विटामिन फेस वॉश है मेरा वो बहुत ही अमेजिंग है फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन या जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का इशू आ जाता है। विंटर में स्पेशली ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है, और ऑल थ्रू द ईयर आप मेरे विटामिन फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई शामिल है ऑफ कोर्स, जो ड्राइनेस में बहुत हेल्प करती है। इसमें एलोवेरा जेल है जो अगर कोई आपके इश्यूज़ हैं स्किन पे उनको रिजॉल्व करती है। इसमें रोज़ वाटर भी शामिल है, इसमें ऑलिव ऑयल भी है, अमेजिंग, और कैस्टील सोप ऑब्वियसली, ताकि आपको वो क्लीनिंग वाला इसके अंदर इफेक्ट आ जाए। एंड फाइनली चारकोल फेस वॉश। मेरा चारकोल फेस वॉश जो है ये ऑयली स्किन के लिए है, उन लोगों के लिए जिनको ऑयल का बहुत इशू होता है, बाहर थोड़ी देर के बाद स्किन ऑयली हो जाती है। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करती, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो ऑयली स्किन के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ऑयली के बजाय बहुत ड्राई हो जाती है या ऑयल प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये आपके पोर्स को भी साफ़ करता है और बैक्टीरिया को भी किल करता है और ऑयलीनेस को कंट्रोल में करता है। इसमें भी ऑलिव ऑयल है। बाय द वे ऑयली स्किन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर सकते, यू शुड मॉइस्चराइज इट द राइट मॉइस्चराइजर्स। तो इसमें बैम्बू एक्सट्रैक्टेड चारकोल पाउडर है, ये जो है ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब करने में और फ्री रेडिकल्स को, तो उस मामले में बहुत अच्छा है। उसके अलावा विटामिन B5 है इसके अंदर, एलोवेरा जेल है, कैस्टील सोप है। सो इसका अंदर जो चारकोल है वो आपकी ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, और आपकी स्किन को लीच आउट भी नहीं करता। इस की कॉम्बिनेशन जो है वो
ऑयली स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट देती है. तो दीज आर माई फोर फेस वॉशेज. आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ट्राई करें. जैसे कि मेरा बेटा जो है उसकी एक्नी प्रोन स्किन है हमजा की, और उसको वो टीनेज वाली एक्नी हो रही है, तो मैंने उसको कॉम्बिनेशन दी हुई है हनी वाले फेस वॉश की और नीम फेस वॉश की. वो रात को सोने से पहले नीम वाला यूज़ करता है, और सुबह जब उसने स्कूल पर आना होता है तो वो हनी वाला फेस वॉश यूज़ करता है. ऑल फोर ऑफ देम आर प्रीटी ऑसम, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा. अगर आपने ऑर्डर करना है तो www.noor.com पे जाएं और ऑर्डर करें.